नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्मार्टफोन लेकर आया हूं जो कि सैमसंग गैलेक्सी है। तो सैमसंग गैलेक्सी M62 5G स्मार्टफोन है, 4G ये पहले ही लॉन्च हो चुका है। तो इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस जानेंगे कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और ये स्मार्टफोन कितना बढ़िया है आपके लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें और उसके लिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहा है रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.70 इंच की डिस्प्ले रहेगी जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेगी और ये 393 PPI पर बेस्ड है। ये पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी शानदार है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरास की। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के बैक कैमरा को ले लेते हैं, इस बैक यानी रियर कैमरास को। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4 कैमरास का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें 64 MP प्लस 12 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP के रहेंगे। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। नेटवर्क फैसिलिटीज़ की बात करी जाए दोस्तों तो ये 5G वेरिएंट पर रहेगा जो काफी ज्यादा शानदार है। और बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज की। तो इसके अंदर आपको 7000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है जो कि काफी धांसु है, काफ़ी शानदार है। इतना बैटरी बैकअप शायद ही आपको किसी अलग स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। तो 7000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और चार्जिंग फैसिलिटीज़ की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अंदर आपको 25W की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है जो बैटरी बैकअप के हिसाब से उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है फिर भी। और बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में। सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को, तो ये अलग अलग वेरिएंट्स में लॉन्च होगा, 8GB 128GB या अलग अलग में। और इसके अंदर आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं जिसके अंदर अप टू 1TB तक का मेमोरी कार्ड आप लगा पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के अदर फैसिलिटीज़ में। सबसे पहले इसके प्रोसेसर को ले लेते हैं। तो प्रोसेसर इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर का 2.73 GHz पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड करने के लिए इसमें डुअल कोर का 2.4 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्टर अपग्रेड करने के लिए इसमें कोर का 1.95 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड कर देता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के चिपसेट की। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वह सैमसंग का सैमसंग एक्सोनस 9 ऑक्टा रहेगा जो कि काफी बढ़िया है। और बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स की। इसके अंदर आपको माली G76 MP12 पर बेस्ड जो काफी बढ़िया है। ओवरऑल सब कुछ स्पेसिफिकेशंस जानने के मन में हमारे मन में एक लालसा रहती है कि इसकी प्राइस क्या रहेगी। तो इसकी प्राइस दोस्तों 23,999 रुपये की एक एक्सपेक्टेड प्राइस है क्योंकि फिलहाल ये इंडिया में आया नहीं है। और इस प्राइस के बिहार पर स्मार्टफोन 5G है और काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी दासों और काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, आप पबजी या अदर गेम्स खेलते हो, उस स्थिति में आपका स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप को कंजम्प्ट करता है, ख़त्म करता है, तो उस स्थिति में ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो ये स्मार्टफोन मई के एंड तक लॉन्च होने की संभावना लग रही है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप इसे बाय कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही नई से नई वीडियोज के लिए, नए से नए स्मार्टफोन की वीडियोज के लिए और नए ऐप्स की वीडियोज के लिए, साथ ही नई रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।